हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ आकाश। आई नो गाइज, ये वीडियो थोड़ा लेट है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा लेट है। 2 हफ्ते का गैप हो चुका ऑलमोस्ट। एक्चुअली तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस वजह से वीडियो डाल नहीं पा रहा था मैं टाइम टू टाइम। तो डोंट वरी, आपका क्रिएटर अभी भी जिंदा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप मेरे हाथ में ये लकड़ी का पट्टा देख रहे हो, ये मैं ना रैंडमली बना के रखा है, दो मतलब प्लाई को आपस में अटैच करके। तो इसके ऊपर हम क्या ट्रैक बनाने वाले हैं, उससे पहले हम क्या नॉर्मली रेल लाइन बना लेंगे। इस बार थोड़ा अलग प्रोसेस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रिप काट के रखा है, काट के नहीं, जो पहले मैंने ट्रैक बना के रखा था उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसी के ऊपर मैं सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 बना के रखा है। अब इसके ऊपर के ये मैचिस की तिल्लियाँ लगाएंगे, तो फटाफट से मैं मैचिस की तिल्लियाँ लगा लेता हूँ इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या मैचिस की तिल्लियाँ मैंने लगा रखे है। उसके साथ मैं साइड बाय साइड स्केल लगा के चेक कर रहा हूँ कि ये जो तिल्लियाँ हैं स्ट्रेट लाइन है या नहीं, क्योंकि यार ट्रैक तो स्ट्रेट होता है, अगर तिल्लियाँ हो चुका है तो डिरेलमेंट का खतरा रहेगा। तो चेक कर लेता हूँ फटाफट से, मैं ये दोनों भी, सॉरी ये तीनों भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 4 कम्प्लीट हो चुका है। अब इसे क्या बारीकी से काटेंगे, तो फटाफट से इसे भी काट लेते हैं। तो काटने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, आपको काटने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन पेशेंस लेके काटना आप सभी, ताकि आपका जो मेहनत है वो ख़राब ना हो जाए। तो फटाफट से मैं काट लेता हूँ सबको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या 4 मैंने काट लिया है, बाकी ये ना स्टेप 1 है, स्टेप 2 अभी भी बाकी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, इसका जो बेस है उसे चिपका लेंगे। ये रहा जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसे क्या इसके नीचे मैं इसी के साइज़ का एक MDF बोर्ड काट के रखा हूँ, देख सकते हैं ऐसे ही, ये ना हल्का सा कर्व है तो इसी हिसाब से मैंने काट लिया। अब इसे क्या MDF बोर्ड के ऊपर चिपकाएंगे। उससे पहले क्या इसके बैकग्राउंड में मैं स्क्रैचेस लगा रहा हूँ, ताकि इसका जो ग्लू और बैकग्राउंड जो सरफेस है, ताकि दोनों के बीच एक अच्छा सा ग्रिप बना रहे चिपकाने के बाद भी। फटाफट से स्क्रैच लगा के इसके ऊपर ग्लू लगा के मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ग्लू लगा के इसके ऊपर क्या भारी भरकम सामान रख दिया, जैसे कि ये प्लास हो गया और हथौड़ा सा थोड़ा बहुत मैं मार लेता हूँ ताकि स्टेबल बना रहे। और उससे काम नहीं बना था तो यहाँ पे मैंने 3 क्लैम्प लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये जुगाड़ू क्लैम्प है, ये हार्डवेयर के दुकान पर नहीं मिला, ये रैंडमली क्या हॉटवील्स के साथ जो आता है क्लैम्प, कटर के साथ जो आता है और एक स्टैंड के साथ आता है, 2 मैंने 3 यहाँ पर लगा दिया, ताकि एक इसका जो दबाव बना रहे और ये सही से चिपक जाए। तो क्लैम्प मैंने यहाँ पे निकाल दिया, अब देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा क्रैक आ गया है, क्योंकि आगे का सरफेस जो हल्का सा उठा हुआ, इस वजह से वहाँ पे प्रेशर बना था तो वहाँ पे क्रैक आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा आइसक्रीम का स्टिक जो कि मैंने काट के रखा है,
इससे लास्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे काटना है, आप सभी का वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आई बटन में भी दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम क्या स्लीपर बनाएंगे बस इतना सा एरिया में, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है, तो वहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे ताकि ये ब्रिज नेचुरली लगे और ऐसे दिखने में लगे कि ये टूटा फूटा ब्रिज है। ठीक है गाइस, तो फटाफट से मैं इसके ऊपर स्लीपर लगा लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसका आगे का जो सरफेस है नैरो होता जा रहा है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे स्लीपर को काट काट के यहाँ पे लगाएंगे उस हिसाब से, ताकि एक होता है ना एवंडर्ड ब्रिज बोले तो जो बहुत ही पुराना ब्रिज हो जाता है इसका स्लीपर टूट फूट जाते हैं, तो ऐसे ही लुक देने की कोशिश करूँगा मैं। तो ऐसे ही करके मैं फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर इसका क्लोजअप लुक मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस स्लीपरों को लगाने के बाद इसका जो फाइनल लुक है दिखने में कुछ ऐसा है। आगे के साइड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ओरिजिनल लुक देने की कोशिश की है, जैसे एक एवंडर्ड ब्रिज में होता है, तो ऐसे ही बनाने की कोशिश की है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, तो आप सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए, वो जल्द से जल्द आ जाएगा।